नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ORG के करंट अफेयर प्रोग्राम में। साथियों, आज है 10 जनवरी, तो हम कवर करेंगे 10 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए देखते हैं साथियों, आज का पहला क्वेश्चन या फिर पहला फैक्ट। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस विधायक को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। यानी आपको बताना है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है उसके किस विधायक को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो साथियों, उनका नाम है रविंद्रनाथ महंतो, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए बात करते हैं इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रविंद्रनाथ महंतो को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रमोट स्पीकर स्टीफन मरांडी ने राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई। साथ ही विधानसभा सत्र में हेमंत सारेन सरकार द्वारा 4,210 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है। यानी कि जो मुख्यमंत्री सारेन हैं उनके द्वारा 4,210 करोड़ रुपये का एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रविंद्रनाथ महंतो को चुन लिया गया है। साथ ही प्रमोट स्पीकर की बात करें तो प्रमोट स्पीकर स्टीफन मरांडी को बनाया गया है। साथियों, ये तीनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं जिन्हें ये पद दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के किस जिले में बक्सा बर्ड फेस्टिवल का 16वां संस्करण शुरू किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में बक्सा बर्ड फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल होता है, इसके 16वें संस्करण का आयोजन शुरू किया गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा अलीपुर द्वार में ये संस्करण शुरू हुआ है। यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आइए बात करते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी की। इस फेस्टिवल में भारत और विदेश के 50 से अधिक बड़े वाउचर ने महोत्सव में पंजीकरण कराया है। इसके दौरान सुल्तान टाइम ग्रेल ईगल और ग्रेट हॉर्नबिल सहित 300 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगी। यानी जो लुप्त प्रजातियां हैं या फिर दुर्लभ प्रजातियां हैं वह इस अभयारण्य में आएगी, राष्ट्रीय उद्यान में आएगी इस दौरान। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि अलीपुरद्वार जो जिला है उसके अंदर ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। साथियों, आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ विशेष जानकारी की। तो साथियों, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, साथ ही यहाँ की राजधानी है कोलकाता तथा जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। यह पुस्तक किस शख्सियत के जीवन पर आधारित है। आपको बताना है कि जो कर्मयोद्धा पुस्तक है वह किस शख्सियत के जीवन पर आधारित है। तो साथियों, आंसर होगा ए, यानी कि नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए बात करते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी की। कर्मयोद्धा एक पुस्तक है या फिर कर्मयोद्धा एक ऐसा है जो लोगों के लिए प्रिय, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता है जो उदाहरण के साथ आगे बढ़ता है तथा नरेंद्र मोदी के पास ये सभी गुण होते हैं। ये साथियों, मैं नहीं कह रहा, ये किताब में कहा गया है, तथा नरेंद्र मोदी के पास में यह सभी गुण होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रेल से जुड़ा हुआ। तो भारतीय रेल को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता ज्ञापित हुआ है। यानी कि आपको बताना है भारतीय जो रेल है इसे ऊर्जा क्षेत्र में या फिर जो ऊर्जा का संबंध जो विषय होते हैं उनमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस क्षेत्र के मध्य समझौता ज्ञापित हुआ है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। भारतीय रेल को ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ब्रिटेन सरकारी के साथ समझौता हुआ है। 2 दिसंबर 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि भारतीय रेल को ऊर्जा क्षेत्र के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ में समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं, और हस्ताक्षर कब किए गए तो ये 2 दिसंबर 2019 को किए गए हैं। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवासन शहरी विकास निगम, यहाँ पर आवासन होगा, आवासन शहरी विकास निगम के नए चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक का पदभार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि इस पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, चेयरमैन तथा MD के पद पर।
तो साथियों एम नागराज हैं जो कि इस कंपनी के चेयरमैन तथा MD के पद पर नियुक्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास और शहरी विकास निगम में एम नागराज को कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया गया है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप के लिए एम्पायर की सूची में किस भारतीय एकमात्र एम्पायर को स्थान दिया गया है यानी कि मिला है, यानी कि जो अंडर 19 जो विश्व कप होगा उसमें किस भारतीय एकमात्र जो एम्पायर हैं उन्हें स्थान मिला है इस लिस्ट के अंदर, एम्पायरों की लिस्ट में। तो साथियों वह हैं अनिल चौधरी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अनिल चौधरी एकमात्र जो एम्पायर हैं वह अंडर 19 विश्व कप के लिए एम्पायरिंग करेंगे भारत की ओर से। साथियों आइए चलते हैं इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी की ओर। दक्षिण अफ्रीका में 4 जनवरी से शुरू होने वाले आगामी ICC अंडर 19 विश्व कप के लिए 16 एम्पायर सहित पुलिस अधिकारियों की सूची में अनिल चौधरी एकमात्र भारतीय हैं, यानी कि अनिल चौधरी एकमात्र भारतीय हैं। इसी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, एकमात्र होने की वजह से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य की राजधानी में किया जाएगा या फिर क्या किया जा रहा है? तो साथियों वह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। साथियों चलते हैं कुछ विशेष जानकारी की ओर। 2 से 16 मई 2020 तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस व राष्ट्रीय युवा उत्सव 2010 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम खेल और मंत्रालय भारत सरकार तथा प्रदेश के लखनऊ में संपन्न होने वाले इस आयोजन में देश के 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं की टीम को प्रतिभागी करने के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी कि जो 28 राज्य हैं तथा सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो टीमों को प्रतिभाग लेने के लिए यानी कि इस खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथियों चलते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ विशेष जानकारी की ओर। तो साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी CM भी हैं जिनका नाम है दिनेश शर्मा तथा एक और हैं डिप्टी CM हैं तथा जो आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, साथ ही जो न्यायिक राजधानी है यानी कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय है उनका हाईकोर्ट है तो वह है प्रयागराज में। साथियों प्रयागराज से पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था तो इलाहाबाद से इसका नाम प्रयागराज किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 देशों के राजनयिक भारत के किस राज्य की यात्रा पर रहे हैं, यानी आपको बताना है जो 16 देशों के राजनयिक हैं वह भारत के किस राज्य की यात्रा पर रहे हैं? तो साथियों वह होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, तो उसकी यात्रा पर 16 देशों के राजनयिक रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों रहे हैं वो यात्रा पर। साथियों 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा पिछले साल खत्म किए जाने के बाद राजनयिकों का यह पहला दौरा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और उन्हें कई एजेंसियों द्वारा सुरक्षा दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी दी जाएगी, यानी कि वे राजनयिक यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि धीरे धीरे हालात जो नॉर्मल हो रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेट जो कि हाल में भी बैन किया गया है, परंतु हाँ जो कुछ रेयर जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, चिकित्सा जो सुविधाएँ हुई सारी, और पुलिस स्टेशन हुआ, कोर्ट हुआ जो मतलब न्यायालय होते हैं वहाँ तक तो नेट की पहुँच हो चुकी है, परंतु आम जनता के लिए हाल भी नेट नहीं पहुँच पाया है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अपना प्रवासी दिवस किस दिन मनाता है, यानी कि भारत अपना प्रवासी दिन किस दिन मनाता है? तो साथियों उसका आंसर होगा 9 जनवरी को, यानी कि 9 जनवरी को भारत द्वारा अपना प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों आइए बात करते हैं कुछ विशेष जानकारी की। 9 जनवरी का दिन भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि साथियों 9 जनवरी के दिन भारत में जो महात्मा गांधी थे वो लौटे थे 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके। साथ ही 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर किस भारतीय बल्लेबाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अब कौन सी रैंकिंग में किया है? तो
तो ICC टेस्ट रैंकिंग में साथियों उन बल्लेबाज का नाम है विराट कोहली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए बात करते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी की। बुधवार को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान बल्लेबाजों की सूची में 928 अंकों के साथ नंबर एक पर मौजूद रहे, यानी कि जो विराट कोहली हैं भारतीय कप्तान, वह 928 अंकों के साथ में प्रथम स्थान पर मौजूद रहे। तो वहीं चतुर्थेश्वर पुजारा 791 अंकों के साथ छठे स्थान पर खिसक गए हैं। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 911 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर रहे हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह क्लियर हो चुका होगा कि जो स्टीव स्मिथ हैं वह सेकंड स्थान पर हैं तथा विराट कोहली हैं जो कि प्रथम स्थान पर रहे हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों यह हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस लेक्चर की PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप सभी को वहाँ पर जितने भी आज तक के लेक्चर हुए हैं उन सभी की PDF मिल जाएगी। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। तो साथियों आपको बताना है कि वह कितने करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है या फिर बनाई है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा 50,000 करोड़, यानी कि 50,000 करोड़ की जो योजना बनाई गई है, क्योंकि NTPC की योजना 2022 तक 10 गीगावाट सौर बिजली क्षमता जोड़ने की है। तो साथियों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और हम अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।